जय हिंद दोस्तों, इस वीडियो में हम आप सभी लोगों से बात करेंगे कि यूनिवर्सिटी की एक साथ होंगी मुख्य परीक्षाएं और मूल्यांकन। दोस्तों यह जो खबर है यह रुहेलखंड विश्वविद्यालय से आ रही है। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी लोग देख सकते हैं, दिया हुआ है रुहेलखंड विश्वविद्यालय समय से परिणाम जारी करने के लिए परीक्षाओं के साथ समानांतर मूल्यांकन भी कराएगा। इसको लेकर खाका खींचा जा रहा है। परीक्षा विभाग की ओर से परीक्षाओं का डाटा तैयार किया जा रहा है। रुहेलखंड विश्वविद्यालय प्रशासन का कहना है कि 15 से परीक्षाएं शुरू होंगी और इसके दो दिन बाद जो है 17 से मूल्यांकन करा दिया जाएगा, ताकि परीक्षा खत्म होते ही कापियों की जाँच का काम पूरा किया जा सके। रुहेलखंड विश्वविद्यालय की मुख्य परीक्षाएँ 15 जुलाई से शुरू हो रही हैं और स्नातक की परीक्षाएं 7 अगस्त तक, पर स्नातक की परीक्षाएं 2 अगस्त तक चलनी हैं। मूल्यांकन में दिक्कत इसलिए नहीं आएगी क्योंकि इस बार पेपर जो है 1.5 घंटे का है और एक विषय में एक ही पेपर करा आएगा। ऐसे में ज़्यादा कापियों का मूल्यांकन इस बार नहीं करना पड़ेगा। इस काम के लिए हर साल की तरह वित्त विहीन कॉलेजों में शिक्षकों की मदद ली जाएगी। ऐसा इसलिए कि एडेड कॉलेजों के शिक्षक मूल्यांकन से कतराते हैं, हालाँकि उनका पूरा जोर प्रैक्टिकल परीक्षाओं पर रहता है और इसको लेकर ड्यूटी लगवाने में काफ़ी कवायदत भी करते हैं, पर इस बार जो है मूल्यांकन की बात आती है तो इससे वे बचते हैं। इसको लेकर रुहेलखंड विश्वविद्यालय प्रशासन सेल्फ फाइनेंस कॉलेजों के शिक्षकों का रिकॉर्ड जो है तैयार किया जा रहा है, ताकि परीक्षाएं शुरू होने से तत्काल बाद मूल्यांकन भी स्पीड से पढ़ सकें। तो जैसा कि दोस्तों देख सकते हैं, रुहेलखंड विश्वविद्यालय के शिक्षकों से भी बुलाए जाएंगे परीक्षक। विश्वविद्यालय मूल्यांकन में तेजी लाने के लिए दूसरे विश्वविद्यालय से परीक्षकों को आमंत्रित करेगा। पिछले सत्र में मूल्यांकन में शामिल हुए परीक्षकों का डाटाबेस तैयार किया जा रहा है। परीक्षकों को समय से सूचित किया जाएगा ताकि वे 17 जुलाई के आसपास हो रहे मूल्यांकन में पहुंच जाएं और विश्वविद्यालय प्रशासन अगस्त अंतिम सप्ताह से सितंबर प्रथम सप्ताह के बीच परिणाम जारी करने में लक्ष्य जो है जुटा सके। तो दोस्तों यह जो खबर है आपकी रुहेलखंड विश्वविद्यालय बरेली से दोस्तों जो कि आई हुई है, और दोस्तों इसमें यही बताया गया कि आप सभी लोगों का जो रिजल्ट है वह समय से जारी कर दिया जाएगा, ताकि आप लोगों की जैसे 15 जुलाई से आप लोगों की परीक्षाएँ शुरू हो तो अगस्त तक जो है आप लोगों का मूल्यांकन जो है करके कम्प्लीटली जो है आप लोगों का जो है पूरा रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं आप सभी लोगों से अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।